नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा कुंज में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फवारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनत के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनत के सहारे बैठे थे। उसी दिन संध्या के समय उन्होंने देखा कि सामने गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी ही मनभावनी लगी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल तक थिरकते देखते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखट के यहाँ आया करो। चिड़िया बोली, मुझे मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहाँ सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने जरा मैं घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ, आप सोचना करें। भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझको देर हो रही है, माँ बाट देख रही होगी, मैं माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास चिड़िया को रोकते हुए, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रहे। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर बाहर आ गया। यह सब एक क्षण में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ ने इशारा कर दिया और नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाँट देखती होगी, पर कल फिर आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा,
सेठ, मुझे देर हो रही है। अभी उजेला है चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो। सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। भय ना करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ मामा, ओ मामा। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, और सुबकती रही।